वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अशर, मैं बशीर सुमेद। आज की वीडियो दुख से कहना जा रहे हैं, थोड़ा दिल दुखी है आज, थोड़ा सा यार सैड भी है हम। इसका रीजन ये है कि आज लास्ट एपिसोड है ढिंडोरा का और उसी पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। मतलब यार ये बहुत ही एक अच्छा सफर रहा है, हर जुमेरात का, जो कि हम हर थर्सडे का हम वेट करते थे कि मतलब हम ढिंडोरा का एपिसोड आएगा और उसे देखेंगे। अब ये भी यार मतलब खत्म हो जाएगा भाई, एक मतलब सच में यार मैं तो कहता हूँ ऐसी वेब सीरीज मैंने आज तक ऐसी वेब सीरीज नहीं देखी, मुझे इतनी ज्यादा ये पसंद है सच में। तो आज देखते हैं, मैंने हमने 7 एपिसोड का भी रेड किया था हमारे बैकअप चैनल पे, तो आप देख सकते हैं उधर अगर देखना चाहे। बिल्कुल। और 8 लास्ट एपिसोड के साथ फेयरवेल करते हैं समय का पहिया। बिल्कुल इसका जो टाइटल है, बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। बीबी का वाइंस का वीडियो है, जाकर यार इनकी वीडियो पर खुले लाइक्स कर दो, जिसने नहीं किए वो भी लाइक करो। हाँ मिल जाए यूट्यूब पर। तो काउंटर करते हैं 3-2-1 एड स्टार्ट। डिस्क्लेमर है ये, दिस वन इज फॉर यू। अरे बधाई हो, आप फिर जीत गए हैं, वो भी सिंगल डोर जी। वो हाँ, वो ओरिजिनल लॉटरी नहीं थी, नहीं लगी आता में तो लगा मराठी में सब, नहीं लगी लॉटरी मेरी। अरे जब लगी ही नहीं थी तो बताया क्यों नहीं? झुकने नाटक करने की क्या जरूरत थी? इनविटेशन लेटर आ गया और वीजा भी लग गया। तुम भी जा रही हो? भुवन सैड था। पता नहीं कौन से बल्ब में मिली किस्मत लिखी हुई है। तो यार अजीब सा मुझे आज लग रहा है यार कि फिर नहीं आएगी। पैराडाइज हॉस्पिटल आए हैं अबे, मामा मामा को क्या हो गया? उन्होंने मारा है ना? तो मैं क्या दुर्दनु? सर्जन सज्जन नहीं, मेरा 5 लाख रुपए दे। एक्सक्यूज मी? हाँ जी बोलिए। क्या चाहिए तुम्हें? मेरा 5 लाख रुपए कब देगा? अरे किस बात के? इधर इधर चीरा मार, चीरा चीरा निकाल। That's illegal. We don't do that here. सुन दे वकांडा, टीटू को और अदरक वाली चाय को कभी मना नहीं करते, क्या नहीं करते? इधर आ। मामा मतलब पैसों के लिए कहता है निकाल और दे 5 लाख। मामा का पैसे नहीं है बेचारे के पास। हाँ भाई यार ये तो बहुत सैड समन, ये क्या सीन हो रहा है? मतलब मामा किडनी बेचने पे आ गए। हाँ हाँ यार मिस्टर बबलू फिर क्या काम, ये फिर ऑफिस पे आ गए। ए, इसमें तो चाय ही नहीं है। चाय नहीं है? सच्चाई सच्चाई नहीं है इस दुनिया में, सबका नंबर लगने वाला। क्यों? क्या मालूम मूड खराब है आज बॉस का। क्या मतलब? बिना नोटिस के कौन निकालता है नौकरी से? उसको निकाल दिया। क्या मालूम, सब चीज मैं ही बताऊंगा, इसी काम के लिए तो रह गया हूँ। उसने बॉस को उस लड़के को निकाल दिया बॉस ने। सर आइए आइए। हाँ तो मैं क्या कह रहा था गोयल साहब, अरे आप लोगों ने इतने साल दिए हमारी कंपनी को, देखो पुराने कर्मचारियों को खुश रखना नहीं नहीं, आप लोग उसके दम पे एक काम कीजिए, आप कल आइए चाय। आई आई क्या बात है सर, अपने कर्मचारियों की कदर करना कोई आपसे सीखे हैं? बबलू जी मैं कौन? बॉस। बॉस बॉस ली का हूँ मैं, यही रहता हूँ दिन भर। आप फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, असली कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है। ऐसी बात नहीं है सर, इस बार आपको प्रमोशन के ऊपर का भी प्रमोशन देंगे। पिछली बार तो सैलरी कम कर दी। मैं आपकी जगह कैसे ले सकता हूँ सर? आपकी जगह नीचे बैठ, बैठ नीचे। बबलू जी आपने कौए की कहानी सुनी? कौआ बिरयानी वाली? नहीं 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 कौआ और घड़े वाली। जी जी जी। तो यूं समझ लीजिए कि हम कौए हैं, ये पूरा ऑफिस घड़ा है, आप हैं पानी है ना, और आपने जो इतने साल दिए हैं ना वो है पत्थर, समझे? इतने पत्थर गिराए हैं घड़े में, आप ऊपर उठे, आप और ऊपर उठे। मेरी अंदर से गट्स फीलिंग ये कह रही है कि इस वक्त आपको और ऊपर उठने की जरूरत है। है जी सर। मैं आपको आजाद करता हूँ। क्या मतलब? अरे अब जॉब से निकाल रहा है आदमी, इस टुच्चे से ऑफिस में काम क्या करेंगे? पता है शोभा नहीं देता ना। ये क्या बात कर रहे हैं सर? ना 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 ना
आप अब इस कंपनी से ज्यादा फेमस हो गए हैं, हमें एम्प्लॉय चाहिए, हीरो नहीं चाहिए। सर मेरी लॉटरी भी नहीं लगी है और इस नौकरी के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए सर। तो आप इस ऑफिस से बड़े हो गए हैं, आपको नौकरी की क्या जरूरत है? अबे तो सारी परेशानियां साथ ही आ रही हैं। बॉस से फोन आएगा आपके पास। बिग बॉस से आइए, साथ में बुलबुले छोड़ते हैं। नहीं 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 नहीं, तो फिर जाइए। अबे तो भाई मतलब इन्होंने भी निकाल दिया यार, हर तरफ टेंशन। ये लड़के देख रहे हैं कॉलेज। लेकिन एक बात बताओ, मैं जोड़ी बड़ी बात है तीनों की। तेरी गर्लफ्रेंड बनी तो थी 2 साल पहले, लेकिन अंकल ने सबका सही फुद्दू काटा, एक साथ पूरे मोहल्ले का वन साइडेड ऑर्जी कर दिया। अरे यार जानबूझ के नहीं किया उन्होंने, मेरा एक बाइक लेने का सपना था, वो भी सपना तोड़ दिया अंकल। बूटी को तो ढंग से स्टैंड पे खड़ा कर ले का सबका। तुम लोगों की बकवास हो गई हो तो मैं जाऊं, मुझे तारा के लिए एक फेयरवेल गिफ्ट लेना है। ओहो फेयरवेल पैक, तू पागल है? लेकिन वो तेरे सही में प्यार करती है? हाँ करती तो है, पर लॉन्ग डिस्टेंस। एक बार आज उसका हाथ देख लियो। क्यों? डीजे की बड़ी उंगली का नाखून अगर कटा हो तो समझ जाना उसने झिगी 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 किया। शाम को मिलता हूँ मैं, इसको करना झिगी झिगी झिगी। यार कितना कमीना करैक्टर है यार। चल पापा वे इधर शांत हो गए। ये लाइफ का भाई वो सच है किसान का यार। साहब आप तो वही ना जो उस दिन बस स्टैंड पर लॉटरी। तुझे कैसे पता? अरे इतनी गर्मी में मफलर कुछ पागल लोग ही बांधते। क्या चाहिए साहब? तू दूसरों से क्यों नहीं मांगता, मेरे पीछे पीछे आ जाता है। साहब आवाज सबको लगाता हूँ मैं, बस रुकते आप। बड़ी बड़ी बातें करा लो इससे। ये वो लॉटरी जिसने भेजी थी ना। अरे साहब आज वो बटर प्याज टमाटर वाली रोटी खाने का मन कर रहा है। पिज्जा के पैसे नहीं है मेरे पास। रोटी लॉटरी 3 बची है बस, फाड़ के फेंक दे इसको, सब झूठ है ये। अरे या तो तीनों झूठे हैं या तीनों सच है, किस्मत आजमा लो। तू आजमा लेना अपनी किस्मत। अगर मैंने किस्मत आजमा ली तो भूखा मर जाऊंगा ना, और इसी बात के तो 100 रुपए मिलेंगे। लॉटरी पे पैसे खर्च करने से अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लेता, थोड़ा भला हो जाता तेरा। आप भी तो पढ़े लिखे हो, आपने क्या उखाड़ लिया? सही बोला है वैसे। थप्पड़ खा लेगा मेरे से, तेरी इस लॉटरी ने मुझे और गरीब बना दिया। अरे छोड़ो ना साहब, आपके पास था ही क्या? थोड़ी बहुत इज्जत तो थी भिखारी। अब क्या मतलब इमोशनल सा हो गया यार। हाँ। मिक्स फीलिंग्स आ रही हैं। वन मंथ लेटर, एक महीना गुजर गया। बड़े चमके चमके अरे क्या बारे बोला, आप समझ अमीर हो गए? मैं यही समझो मैंने कहा बड़ा नहीं, ऑफिस तो इनका बंद था, फिर जा रहे कहां पे? निकाल दिया था ना इनको, वही मैं कह रहा हूँ। शायद कोई और जॉब मिल गई हो सकता है। अरे अंकल बड़ा चमक रहे हो, सच में लग गई क्या लॉटरी? मजाक उड़ा रहे हैं। जा रहे कहाँ पे? पता नहीं। क्या चक्कर है? पता नहीं। क्या? अबे ये क्या? What the heck? वो तेरी? क्या है ये सब? ये कैसे? ये क्या है बे? लग गई क्या लॉटरी? अबे BMW
ओ तेरी खैर। उन्होंने वो बटन दबाया है ना एसी। ओपी वाइफ बैठो बैठो ओपी गुची का वो घर बिल्कुल स्लीपर बस जैसा लग रहा है। कहीं ड्राइवर तो नहीं लग गए? पोस्टमार्टम रूम जैसा ठंडा हो गया नहीं? वाइफ को क्यों बिठाया? लेकिन ये सब हुआ कैसे? अबे क्या दुष्ट है? कर दे वो फालतू में चिल्ला दिया तेरे पे। ओ ऐसा क्या है पिज्जा में? पिज्जा उसको खिला रहे हैं मतलब सैड हो के ना। अब तुम्हारे घर में खाना नहीं है क्या यार? अब तो घर पे कुछ भी मांगने में शर्म आती है। मतलब उसको सुनाया था ना? तो ये तीनों टिकट तुम्हारे। तू मिला ले नंबर। हंसते मजे के। पर मिलाएगा कहाँ से? इतना बड़ा टंगा हुआ है बोर्ड। देखो अगर ये टिकट लग गई ना तो 50-50। ठीक है। मैं तुझे बोल रहा हूँ फालतू की चीज। अगर ये लगी ना तो 25 मेरे बाकी तुम्हारे। 25 मेरे बाकी तुम्हारे। अभी भी टाइम है फेंक दे इसको। अरे ये आखिरी है। अगर ये लग गई तो 5 मेरे 5% बाकी तुम्हारे। 10 तेरा। 10 खुद कह करेंगे। झूठी उम्मीद में बड़ा मजा आता है। ये लग गई थी ये लग गई थी। मैं तुझे बोल ही रहा था ये फालतू। ओ लग गई। अब बुढ़ापे में घुटने के बल चलोगे तो लगेगी ना लोटी। हाँ लोटी लोटी घुटने के बल है। दस परसेंट उसके 10% मतलब करोड़पति तो वो भी हो गया। हाँ बट भी मेरी सब पाने की। अरे यार भुवन कहाँ है? बोल रहा था एक हफ्ते के लिए बाहर घूमने जा रहा है। भुवन पता है मुगले आजम में भी लाल किला दिखाया है। चुपचाप वो निकल के आया घर से हाँ ताकि डंडोरा न पीटे। इस बार बीवी ने भी नहीं पीटा। नमस्कार यात्री कृपया ध्यान दें बीच में ना घुस बम से आ रहे हैं। सच में किस्मत बदलते देर नहीं लगती वैसे। We would like to inform you that your seat has been upgraded to business class. Iski seat business class pe chali gayi. Please go to the seat please. Bhuvan to khulla uda raha hai. That's a seat ma'am. Thanks. What? Tum yahan kya kar rahe ho? Ye business class bhi economy jaisi kyun lag rahi hai? Admission mil gaya? Why didn't you tell me? This is so wrong Bhuvan. Nahi mila admission. Unka reply tak nahi aaya. पर मैंने सोचा कि तुम्हारा इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट बन के चलो। अबे एकदम अमीर हो गया यार। व्हाट्स हैपनिंग? टिकट के पैसे कहाँ से आए? और वो भी बिजनेस क्लास में अपग्रेड करवा लिया। व्हाट इज हैप? कैन यू एक्सप्लेन व्हाट्स? सब बताता हूँ लेकिन बाकी बातें बादलों के ऊपर। बादलों के ऊपर। ओह ये आई लाइक इट। वो दोस्त भी आए हुए। ओह ये उनको भी घुमाने लाया है क्या? कैप्टन फमी खुदी Welcome on board to the Virgin Class. But from today onward, holy assistant. Holy assistant. और भी assistant. इन मासूम यात्रियों को ये भनक तक नहीं है कि हम दोनों pilots की आज ये पहली उड़ान है। हम दोनों ने आज तक मक्खियों और पैसों के अलावा और कुछ नहीं उड़ाया। भाई साहब। इस कहानी ने हमें रिश्तों की अहमियत के बारे में सिखाया। किस्मत से मिलवाया हकीकत से मिलवाया और एक और बात सिखाई अंजाम तक पहुंचने से पहले ढिंडोरा ना पीटे। वाकई ओह ये आई लाइक इट। लेकिन बंशोरदास का क्या हुआ? उसका बंशो किधर गया? बंशोरदास इसने बाइक लेना था ना। हाँ उसको लेकर दिया ना इसने ये बजाज के लिए कौन सा लिया मैंने। अबे मामा पूरा बैग मार के लाया। सब पाने की जिद भी मेरी।
पैसे कहाँ हैं? अरे वो 2000 के नोट की वजह से जेब में ही फिट आ जाते हैं, ये ले। और ये कपड़े किसके लिए? वो अपन जाने वाले थे ना माहौल विला कुवत पार्टी करने। बन गई दोनों जा रहे हैं। चलो भाई घूमने जा रहे दोनों। यार मस्त था यार, ये तो अपने घर में बैठ गया था। ये तो भिखारी है। अबे ये भी अमीर हो गया है। कमाल है जिंदगी, मादर चोद है। यार ये वाज की है, इसको पिज्जा खिलाया। देखो देखो हम जाए गोली में। जी जी संदूक खोल रहे। अबे ये वही पुतला है जिसके ऊपर वो मतलब ये क्या किया? घर के अंदर जाके लगा रेटेड बाय मिस्टर। इन्होंने डोनेट किया जो सोसाइटी ने कह रहे थे वो किया है सब कुछ। यार क्या बात है, भूले नहीं है। लिखा क्या ऊपर यार, कैसे हिंदी में क्या लिखा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। आज है हमारे साथ सेलिब्रिटी शेफ, बहुत इंटरेस्टिंग। आज हम बनाएंगे लेडीज फिंगर। पहले करेंगे मैंने चॉप इस प्रकार से, खून के छींटे हटाने के लिए फिनाइल। अरे आ गई, तब से इंतजार कर रही हूँ, सुबह से फोन कर रही थी, फोन ही नहीं उठा। ये कौन है बे? नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। ये तो होला है, होला। अभी ये कहां से टपक पड़ा? क्या है? अरे ये चाकू। फोन लगा हुआ है। ओ इसका मतलब है मुझे लग रहा है अब सेकंड जो आने लगा है, सीजन 2 आएगा यार। अबे बोला अगर पे कहां से रंग में भंग डाल दिया, इसी से तो सीजन 2 स्टार्ट होगा। यार मजा इस एपिसोड का मुझे सबसे ज्यादा मजा भी आया, दुख भी हुआ। गाइस सीरियसली इसके अंदर मिक्स इमोशन थे, मैं बता नहीं सकता। अगर वो लॉटरी का ट्विस्ट जीता था तो वो बहुत कमाल का था। यानी दो तीन आखिरी तीन चार मिनट में वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल गई। सब यार मैं बता नहीं सकता, घूस बमसोले जब इनकी लॉटरी लगी। बीएमडब्ल्यू अच्छा बड़े मजे से बच्चन सर ताड़ी मार के गए। हाँ और एकदम जाके उधर जाके भाई, हाँ भाई वो गाड़ी तो भाई गाड़ी एकदम बीएमडब्ल्यू। हाँ भाई भाई साहब वो वाले सीन उधर बहुत बड़ा यार शौक लगा। और अगर मैं भोला कहाँ से टपक पड़ा वो मुझे नहीं यार, वो हमें खुद समझ नहीं आया यार, भोला कोई गड़बड़ कर सकता है। तो यार अब ये क्लिफ हैंगर फिर फंस गए, एक फिर अटक गई नाव हमारी। अब वेट रहेगा सीजन 2 का। और बीबी ने अटकाया भी बहुत बड़ा जगह। और यार सच में इस सेकंड सीजन का तो सब वेट करेंगे ही करेंगे। फर्स्ट सीजन यार बहुत कमाल का गया है। अब तक मैंने इससे ज्यादा अच्छी वेब सीरीज मैंने नहीं देखी, नहीं देखी। देखो इसमें अगर आपने देखी है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसमें स्क्विड गेम भी हार्ड में, इसमें मतलब हर चीज थी यार, एंटरटेनमेंट थी, फन था, हर कुछ था इसमें यार। मनी हाइस्ट भी है प्यारा, स्क्विड गेम भी प्यारा, लेकिन जो मजा मनी हाइस्ट में भी वो मजा नहीं है जो मतलब डिंडोरा का मजा था। मजा आ गया। मैं कहता हूँ अब तक की बेस्ट यार मैंने वेब सीरीज देखी है। और एक एक इसका सीन मैं देखने लायक था सच में, वाकई में। वह मामा जाके और यार इसका हम सच में यार मतलब एक किस्म का थैंक्स अदा करना चाहते हैं यार, हमें इतना एंटरटेन किया यार, बहुत ऑसम यार, बहुत कमाल का बनाया यार, वाकई बहुत ऑसम शो था यार। मैं कहता हूँ मजा आया। गाइज आप लोगों को ये कैसा लगा शो? फुल अपनी सच्ची दिल से राइटिंग कमेंट सेक्शन में दो, कौन सा सीन सबसे ज्यादा गूज बम यार, मतलब ओवरऑल बहुत कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।